यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, देखिए आखिर किस तरीके से नकली पेट्रोल कुछ ही सेकंड में बनकर तैयार हो जा रहा है। इस मिनरल ऑयल में एक ऐसा केमिकल डालने के बाद यह पेट्रोल का रूप ले ले रहा है। यह नकली पेट्रोल का खेल बड़े स्तर पे चल रहा है। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो एक विश्वास पे डलवाते हैं कि यह पेट्रोल अच्छा होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या वह पेट्रोल जो आपके गाड़ी में पड़ रहा है वो कहीं नकली पेट्रोल तो नहीं है? जी हाँ, मैं इस वक्त जनपद कुशीनगर के छितौनी नगर पंचायत में हूँ और आज नकली पेट्रोल बनाने का एक बड़ा गिरोह जो विगत कई सालों से महाराजगंज से होते हुए कुशीनगर होते हुए और बिहार प्रदेश में पेट्रोकेमिकल यानी मिनरल ऑयल के नाम पे एक ऐसा जादुई केमिकल कह लीजिए जिसको एकदम उस मिनरल केमिकल में मिनरल ऑयल में जो ही लगाने से वह पेट्रोल बन जाता था। अब ये सिंडिकेट समझिए कि महाराजगंज से तार जुड़ा था, महाराजगंज से कुशीनगर, कुशीनगर से पनियावा, पनियावा का हनुमानगंज चौकी और खड्डा का सालिकपुर चौकी होते हुए वह सीधे बिहार प्रवेश कर जाता था। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में लगभग 12 या 13 रुपये पेट्रोल पंप पेट्रोल महंगा है, तो तमाम लोग सहूलियत के लिए जो बॉर्डर के पास के जगहों के रहने वाले हैं वो यूपी में आके पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन एक बड़ा खेल हो रहा था, आप सबको मैं बता दूं, ये आर्यन पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जो निचलौल महाराजगंज ओड़वलिया से वह गाड़ी चलती थी पेट्रोकेमिकल के नाम के मिनरल ऑयल, और उसमें एक ऐसा कुछ केमिकल जोड़ देते थे मिनरल ऑयल के नाम से, तो यहाँ से यानी यूपी से बिहार जाता था, लेकिन बिहार जाते ही वो मिनरल ऑयल पेट्रोल बन जाता था। वैसे यूपी के पेट्रोल की बात करूँ तो लगभग 94 रुपये के आसपास या 1-2 रुपया ऊपर जो होगा पेट्रोल, वहीं बिहार की हम बात करूँ तो यूपी से 13 रुपया या 12 रुपया महंगा है। और अब वहाँ के जो लोकल विक्रेता होते हैं चौक चौराहे चट्टी दुकानों पे जो लोग पेट्रोल बिकते हैं वह क्या करते हैं, छोटे व्यापारियों से खरीद लेते हैं या फिर यूपी के पेट्रोल पंप पे आते हैं। लेकिन ये सिंडिकेट समझिए किस तरह से, एक तरह से कहे कि इस पेट्रोल पंप का भी नाम खराब किया जा रहा था ताकि यह यूपी के और बिहार के बॉर्डर पे है और यूपी का ये लास्ट पेट्रोल पंप कह सकते हैं, तो बिहार के जो लोग रहने वाले हैं वो यहाँ आ जाते थे पेट्रोल डलाने। लेकिन किस तरीके से खेल किया जाता था और वह मिनरल ऑयल लगभग 40 से 45 रुपये में पेट्रोल तैयार कर देता था, इतना बड़ा सिंडिकेट, और उसकी कीमत 90 से ज़्यादा रुपये में बेचता था, यानी बिहार का जो रेट है उससे 2-4 रुपया सस्ता मिल जाता था। तो जो छोटे व्यापारी दुकान पे, चौक पे, चौराहों पे, किराने के दुकानदार जो पेट्रोल बेचते हैं वह खरीद लेते थे, लेकिन अब वह पेट्रोल आपकी गाड़ी में पड़ेगा तो आपके गाड़ी का अंतिम दौर शुरू हो जाएगा, इसका किसी का भरोसा नहीं था। कल यानी 29 मार्च को एक गाड़ी पकड़ी गई और उसके बाद धीरे धीरे जब चर्चा हुई, आज हनुमानगंज थाने की पुलिस पहुंची और उसके बाद जब चेक किया गया, आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वही मिनरल ऑयल है और एक बूंद थोड़ा सा जो है लगाने के उस मिनरल ऑयल में वह पेट्रोल का रूप ले ले रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसी रास्ते, बॉर्डर के रास्ते वो मिनरल ऑयल जाता था, दो थाने की चौकी पड़ती थी, क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? यह बात हम जांच पे छोड़ते हैं, लेकिन जो आपके गाड़ी का अंतिम दौर आ जाएगा वह उस नकली पेट्रोल के कारण। आप वीडियो स्क्रीन में आप देखिए किस तरीके से इस मिनरल ऑयल में थोड़ा सा केमिकल डाला गया, यह पेट्रोल बन गया। यहाँ से मिनरल ऑयल के नाम से जाता था, बिहार में जाते ही पेट्रोल बन जाता था और बिहार में जो पेट्रोल का रेट है उससे 2 या 3 रुपये कम दे दिया जाता था, वहाँ के जो विक्रेता थे दुकान वाले वो खुश हो जाते थे कि उनको 2-3 रुपये सस्ता ही पड़ जाता और उनको मार्जिन मिल जाता था। लेकिन जो लोकल स्तर पे पेट्रोल डलवाते थे गांव घर के लोग, उनकी गाड़ी का एक तरह से कहें कि अंतिम दौर ही आ जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन और खास करके पेट्रोलियम विभाग अभी तक इसकी सूद क्यों नहीं लिया? जानकारी के मुताबिक वह गाड़ी हनुमानगंज थाने में जो है उसको ले लिया गया है, अब कार्रवाई क्या होगी यह तो जांच का विषय है। लेकिन बड़ा सवाल है आर्यन पेट्रो
केमिकल्स के नाम से वड़लिया निचलौल महाराजगंज से वह गाड़ी आती थी। उसके बाद जो उसका एक और एड्रेस बताया जा रहा है फुलवरिया रामनगर, वहां जाती थी नीकू देवी फुलवरिया रामनगर, यानी महाराजगंज से होते हुए कुशीनगर होते हुए वो बिहार जाती थी। और यह यूपी के बॉर्डर पे ये पेट्रोल और डीजल का खेल कोई नया नहीं है, बड़े सिंडिकेट पे काम होता है। और शासन प्रशासन बॉर्डर पे रहने के बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जब बॉर्डर एरिया से कोई एक ट्रैक्टर की गाड़ी ओवरलोडिंग में जाती है जिसमें 2000 ईटा गलती से ज़्यादा हो जाता है तो पुलिस प्रशासन इंक्वायरी करने लगती है। लेकिन रोज पिकअप की गाड़ी मिनरल ऑयल के नाम पे जा रहा, नकली पेट्रोल बनाने के नाम पे जा रहा है, आखिर पुलिस प्रशासन पुलिस चौकी पे मौजूद जो पुलिसकर्मी है उनको ख्याल क्यों नहीं आ रहा है? ये सारे सवाल का जवाब मैं शासन पे छोड़ता हूँ। अब देखना यह है इस पे कार्रवाई क्या होगी। उस गाड़ी को थाने में जो है ले लिया गया है। अब उन लोगों पे यह जो बड़ा गिरोह नकली पेट्रोल बनाने का काम कर रहे थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, और इस पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है पेट्रोल के नाम पे नकली केमिकल बेचा जा रहा था। और उनका कहना यह भी था कि जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल कस्टमर हैं बिहार के, उनको यही कहा जाता था कि बेलवनिया वाले पेट्रोल पंप से जो है यह पेट्रोल आया है। तो कहीं ना कहीं इस पेट्रोल पंप का भी छवि खराब हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल कि यूपी बिहार के बॉर्डर पे यह पेट्रोकेमिकल के नाम से मिनरल ऑयल के नाम से यह मिनरल ऑयल जाता था, बिहार पहुंचते जो है पेट्रोल बन जाता था। हो सकता है बॉर्डर एरिया से इस तरह से और संदिग्ध चीज़ें जाती हो जो देश के लिए खतरा हो, प्रदेश के लिए खतरा हो, और कोई कार्रवाई अभी तक आखिर प्रशासन क्या कर रहा है एक बड़ा सवाल। हमारे साथ इस पेट्रोल पंप के मालिक संजय सिंह जी हैं, थोड़ा सा समझते हैं। संजय जी ये बताइए कि यह जो केमिकल है यह किस प्रकार का केमिकल है? ये एक देखिए पुराने पहले एक पेट्रोल टाइप का ही थोड़ा केमिकल है, लेकिन वो पेट्रोल की तरह पे यूज़ नहीं किया जाता है, गाड़ियों में नहीं यूज़ किया जाता है। पुराने जो मशीन वशीन होती हैं, जो पुराने कारखाने होते हैं उस टाइप के, उसमें यूज़ किया जाता था। गाड़ी के लिए ठीक नहीं है? गाड़ी के लिए बिल्कुल ठीक। अगर वह केमिकल गाड़ी में पड़ता है तो क्या नुकसान हो सकता है? गाड़ी के इंजन नुकसान करेगा, गाड़ी का इंजन नुकसान करेगा। अच्छा एक और बात बताइए, उसकी लागत क्या होगी, ताकि आज गाड़ी वो पकड़ी गई आपके यहाँ थी, उसके बाद पुलिस थाने में गई, उसका जो बजट है, ताकि पेट्रोल का रेट लगभग हमको लग रहा है 94-95 रुपए है अपने यहाँ। हाँ अपने वहाँ। अब वह कितने में तैयार हो जाता है? रुपया है अपने वहाँ, वो लगभग 60 रुपए में। 60 रुपए में, तो 60 रुपये में तैयार हो जाता था, 94-95 रुपये यहाँ रेट है और बिहार में 13 रुपया ज़्यादा है। तो कितना बड़ा गिरोह है यह समझने की बात है, और जो तमाम आला अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इस पे कार्रवाई करेगी कहीं ना कहीं, यह एक बड़ा गिरोह है। वहीं जब इस मामले पे जांच करने आए उच्च अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने क्या बताया यह जान लीजिए। हेलो हेलो जी, विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ मैं, पत्रकार। जी जी, क्या हुआ सर उस मामले में? अब अभी कुछ अब जांच चल रही है, थोड़ा सा वो क्योंकि टेक्निकल पदार्थ है, थोड़ा क्योंकि लिक्विड है, तो अब क्या समझ में आया है, जैसे जो बात आ रही थी कि केमिकल आप मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ फिलहाल है प्राइमा फीसी, ठीक है ना, मतलब संदिग्ध तो है ना, संदिग्ध तो है ही है, संदिग्ध है, संदिग्ध आप मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, संदिग्ध है, और भी दूसरे प्रदेश में जो जा रहा है इसमें कार्रवाई क्या होगी सर? अभी थोड़ा खींचेगी जब प्रयोगशाला वगैरह में जाएगी रिपोर्ट, अच्छा है ना, सैंपलिंग होकर के। अच्छा वो प्रयोगशाला बनारस में है, लखनऊ में है। अच्छा जी जी जी, तो अभी मौके पे तो अभी कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि उसमें सीएम साहब से अच्छा अच्छा, अच्छा जी, तो कंपनी के जो सेल्स ऑफिसर हैं जो पेट्रोल पंपों का वो करते हैं, तो सभी लोग कल इकट्ठा होंगे, अब सभी लोग से समन्वय बनाया जा रहा है। अच्छा अगर ये गलत होता है FIR होगा ना उसके नाम पे जो ये लोग सिंडिकेट चला रहे हैं। जब इस पूरे मामले पे हमने हनुमानगंज SHO से बात किया उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। हेलो जी, हेलो जी भैया, SHO साहब विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ, गांव वाले रिपोर्टर। अच्छा अच्छा बताएं भाई। ये बताइए सर, ये आपके यहाँ एक मिनरल ऑयल के नाम से एक गाड़ी आई है, क्या है मामला?
मामला ये देखिए, एक पेट्रोल टंकी वाले कह रहे हैं कि ये कोई केमिकल ले जाके बिहार भेजते हैं हाँ। और उसमें हमारी बदनामी कराते हैं हाँ। ये पेट्रोल टंकी वाले गाड़ी कल ही पकड़ लिए थे हाँ। अब वो हमको आज सूचना हुई होगी सीओ साहब के माध्यम से, हमको सूचना भी नहीं दी ये लोग अच्छा। ये लोग कह रहे हैं कि ये तेल है, इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दिया है सप्लाई अच्छा। वो आएंगे भाई, वो जांच करेंगे कि ये तेल है कि केमिकल है क्या है, तो ताकि वो उसका विजुअल आया है सर वीडियो में, तो वो कुछ ऐसा केमिकल है जो इस मिनरल में डालते हुए पेट्रोल का रूप ले ले रहा है, और ये विगत कई सालों से ये खेल चल रहा है नकली पेट्रोल बना के बिहार में सेल करने का, ताकि बिहार में पेट्रोल महंगा है यूपी में सस्ता है, तो उसका यह लोग लाभ ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, तो ऐसे लोग पे कार्रवाई क्या होगी? नहीं तो अगर वो सप्लाई इंस्पेक्टर भी हमें जांच करके बताएंगे ना कि ये क्या है, केमिकल है कि डीजल है कि पेट्रोल है अच्छा, उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।